बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीपीएससी की एडवर्टाइजमेंट नंबर 14 आ चुकी है, वही सीटें जिसके बारे में बारहा दफा आपको बताया गया है, आपके जज्बात के साथ खेला गया है कि असिस्टेंट एसएम जीएडी की जो सीट्स हैं 108 वो आ रही हैं, अल्टीमेटली वो आ गई हैं। 108 सीटें हैं बेटा, डिस्कस करेंगे एडवर्टाइजमेंट को और इसकी प्रिपरेशन को। तो इसकी में टोटल जो सीट हैं वो 108 हैं, जिसमें से दो जो है वो रिजर्व हैं फॉर वुमेन के लिए और दो जो है वो रिजर्व हैं डिसेबल कोटा के लिए और पांच है मेजॉरिटी कोटा के लिए। तो इस तरह से जो है ना जी, आप ये देखें कि 5 और 2 7 7 और 2 9, तो 9 सीटें निकाल के बाकी जो सीटें बचेंगी आपकी 99 के करीब, ये आपकी जो होंगी ओपन मेरिट पे होंगी, रेगुलर बेसिस पे है, मतलब परमानेंट है। 16 इसका स्केल है, जो इसके लिए रिक्वायरमेंट है एजुकेशन की वो कम से कम बीए बीएससी है, ग्रेजुएशन अगर आपने की हुई है तो आप इसी के लिए एलिजिबल हैं। बहुत ज़बरदस्त जॉब है, 1,20,000-30,000 के करीब इसका पैकेज है। इसका जो सर्विस स्ट्रक्चर है वो बड़ा ज़बरदस्त है। इसकी जो प्रमोशन है, आप ये देखें कि आप सेक्शन ऑफिसर से होते हुए अल्टीमेटली कम अज कम आप असिस्टेंट कमिश्नर ज़रूर जो है ना इसमें आप रिटायर्ड होंगे। तो आप ये देखेंगे इससे ऊपर भी जा सकते हैं आप, वो डिपेंड करता है कि जो है ना सर्विस स्ट्रक्चर किस तरह से है और जो है ना इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी शामिल होती हैं। उसके बाद हम ज़रा देखते हैं इसकी जो एज लिमिट है वो देखते हैं और इसका सिलेबस देखते हैं। तो बड़ा इसकी जो एज लिमिट है हमारे पास मेल के लिए वो 30 साल, 18+25+5, मतलब 5 साल जनरल एज रिलैक्सेशन सबके लिए होती है। तो ये टोटल जो मिलेगी इसमें आपको एज लिमिट वो 30 साल है, जिसकी 30 साल एज है वो इसमें अप्लाई कर सकता है मेल के लिए। फीमेल के लिए 33 ईयर तक आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। आल पंजाब में कहीं पे भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, ठीक हो गया जी। पर पोस्टिंग बल्कि लाहौर में ही है और पूरे पंजाब के जो डोमिसाइल के लोग हैं वो अप्लाई इसमें कर सकते हैं। सिलेबस बेटा वही 90 मिनट का आपका पेपर होगा, 100 नंबर का जो है क्या होगा जी, 1 पेपर होगा। 1 पेपर में आपको बताया कि जब भी हम बात करते हैं तो उसमें ये 10 सब्जेक्ट शामिल होते हैं। जनरल नॉलेज का पोर्शन होगा, पाकिस्तान स्टडीज, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडीज, जनरल नॉलेज फॉर नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स होगा इसके लिए। ज्योग्राफी का पोर्शन होता है, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस और बेसिक कंप्यूटर का पोर्शन होगा। वही 10 सब्जेक्ट जो होते हैं जनरल जो सिलेबस होगा। तो ये बेटा जो है ना जी आपकी सीट्स हैं, इसकी तैयारी के लिए हम भी अपना नया बैच शुरू कर रहे हैं जो कि इंशाल्लाह 28 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। आपको पता है कि कमर साहब हमारे सिस्टम का हिस्सा हैं, वो ऑलरेडी सीट पे असिस्टेंट एसएम जीएडी की सीट पे सर्व कर रहे हैं। तो अगर हमें आप ज्वाइन करेंगे तो आपको वही लोग इंशाल्लाह लेके चलेंगे, आपकी तैयारी करवाएंगे जो ऑलरेडी एक डिपार्टमेंट में सर्व कर रहे हैं। तो 28 जुलाई से इंशाल्लाह हमारा नया बैच शुरू होगा। इसके हवाले से सब्जेक्ट वही 10 हैं। अगर कोई बच्चा खुद से तैयारी करना चाहता है तो वो पास पेपर बाय इम्तियाज शायद की बुक ले ले, साथ में जो पोर्शन उसका वीक है, जो सब्जेक्ट उसका वीक है उस पर काम कर ले, इंशाल्लाह एग्जाम पास हो जाएगा। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इतनी सीट्स तारीख में कभी नहीं आई इस डिपार्टमेंट में और ज़बरदस्त किस्म की सीटें मैंने आपको बताया। कम अज़ कम आप एसी ज़रूर इंशाल्लाह रिटायर्ड होंगे इस पर। आपको बताया एसी बनने के लिए आपको 12 सब्जेक्ट वाला एग्जाम वो देना पड़ता है, पीएमएस देना पड़ेगा या फिर सीएसएस देना पड़ेगा। तो इसमें आप 100 नंबर के एमसीक्यू टाइप एग्जाम दे के आप डायरेक्ट जो क्या लगेंगे जी, असिस्टेंट लगेंगे और उसके बाद प्रमोशन आपकी होती जाएगी और अल्टीमेटली आप क्या रिटायर्ड होंगे, असिस्टेंट कमिश्नर रिटायर्ड होंगे। तो एक तो ये सीट्स हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 14 में, दूसरा इसके अलावा जो सीट्स हैं वो इसमें तहसीलदार और नायब तहसीलदार के लिए हैं, वो मिनिस्ट्रियल कोटा है। मिनिस्ट्रियल कोटा को जरा हम डिस्कस कर लेते हैं कि उसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट के लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये है बेटा हमारे पास एडवर्टाइजमेंट, 68 सीटें हैं टोटल नायब तहसीलदार की। कितनी सीटें बेटा, 68 सीटें हैं। अब इसमें उसने जो रिक्वायरमेंट बताई है, ग्रेजुएशन हो कम अज कम, मतलब बीए बीएससी आपकी होनी चाहिए, साथ में कंप्यूटर के बारे में आपको पता होना चाहिए। तीसरी जो कंडीशन बताई ना उसने, कम अज कम सीनियर क्लर्क एंड जूनियर क्लर्क विद 3 ईयर रेगुलर सर्विसेज इन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जिसकी ये है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड अदर ऑफिस सबऑर्डिनेट टू द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू विच आर अंडर, इसके अलावा वो तमाम जो डिपार्टमेंट जो कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंडर है ये बताया गया है। तो वो कौन कौन से हो सकती हैं, कानूनी डिपार्टमेंट है,
डिसीजन ऑफ होल्डिंग डिपार्टमेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, डायरेक्टोरेट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स है, डायरेक्टोरेट ऑफ कच्ची आबादीज है, पंजाब प्राइवेटाइजेशन बोर्ड है, इसी तरह से ऑफिस ऑफ ऑल डिविजनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर एंड असिस्टेंट कमिश्नर पंजाब, तो इनके डिपार्टमेंट के जो मुलाजमीन हैं वो भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रिक्वायरमेंट है जो इन जॉब्स पे सर्व कर रहे हैं वो इस सीट पे एलिजिबल हैं। अब इसमें आप देखेंगे इसका एग्जाम जो है, पहले 400 नंबर के 4 इम्तिहान हुआ करते थे लास्ट टाइम, अभी उन्होंने 100 नंबर का एक पेपर कर दिया बस, वो भी एमसीक्यूज टाइप, जिसमें 70 नंबर का जीके का पोर्शन है, इसमें आपके वही जो सब्जेक्ट हैं 10 होंगे। इसके अलावा आप ये देखेंगे इसमें जो चीज़ें ऐड की गई हैं वो है हमारे पास एक्ट के हवाले से, पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887, लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894, यहां से भी पोर्शन होगा 30 से 40 नंबर का, कम से कम यहां से पोर्शन होगा, कम से कम 30 नंबर का एवरेज होगा। इसके अलावा तकरीबन जो है 70 नंबर का जो पोर्शन होगा उसमें ये जीके होगा, और साथ में देखें कंप्यूटर वाला पोर्शन भी 30 नंबर का, 30 का कंप्यूटर का होगा, 30 का ये एक्ट होगा, 40 नंबर का तकरीबन ये जीके का बाकी पोर्शन होगा। तो कंप्यूटर को साथ में लाएं जीके में तो ये तकरीबन आपका बन जाएगा 70 नंबर का जीके का पोर्शन। तो 100 नंबर का पेपर है, बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, जो ये जो भी बच्चा ये तैयार कर लेता है वो आराम से सीट ले जाएगा। सीटें जो है बेटा, अच्छा इसमें आगे चल के उर्दू और इंग्लिश का ऐसे भी है, 25 नंबर का जो है ना जी उर्दू का ऐसे होगा, 25 नंबर का जो है ना जी इंग्लिश का ऐसे होगा। ऐसे को सिर्फ पास करना जरूरी होगा, जो मेरिट आपका बनेगा वो इसमें से बनेगा, जो ये ऐसे लाइन भी क्रॉस करेगा ना, बाकी इधर से जो ज्यादा मैक्सिमम नंबर ले सकेगा वही क्या होगा इस सीट पर रिकमेंड होगा। अब इसमें हम देखते हैं जरा आगे चल के सीटों की डिवीजन किस तरह से है। लाहौर की सीटें हैं बेटा, नौ लाहौर डिवीजन की बात हो रही है, लाहौर डिवीजन में आपको लाहौर भी है, शेखपुरा भी है, ननकाना साहिब भी है, और कसूर भी है, आगे डिस्ट्रिक्ट भी बताए गए हैं। रावलपिंडी की टोटल 8 हैं, सरगोधा की भी 8 हैं, गोजरावाला की 8 हैं, फैसलाबाद की 7 हैं, साहिवाल की 6 हैं, भावलपुर की 7 हैं, और मुल्तान की 8 हैं, और डीजी खान की कितनी हैं जी 7 हैं, डेरा गाजी खान में डीजी खान है, मुजफ्फरगढ़ है, राजनपुर अली है, 4 डिस्ट्रिक्ट हैं आपको पता है। टोटल जो सीट्स हैं 68 हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जी इसमें हमारे पास तहसीलदार की सीटें हैं बेटा, ये भी म्यूनिसिपल कोटा वाले अप्लाई कर सकते हैं, 42 सीट्स हैं टोटल 42। इसमें भी वही ग्रेजुएशन मुझे कम से कम बी ए बी एस सी कंप्यूटर के बारे में पता होना चाहिए, साथ में ये बताया गया कि पर्सनल असिस्टेंट हो किस चीज़ में, या सीनियर स्केल पे स्टेनोग्राफर हो, असिस्टेंट हेड, वर्निकुलर क्लर्क हो, इंस्पेक्टर ऑफ स्टैम्प्स एंड रेवेन्यू हो, रेवेन्यू ऑडिटर हो, या इस तरह से जो है ना बताए गए ऑडिटर, टैक्स विंग, सीनियर कंप्यूटर ऑपरेटर विद 3 ईयर रेगुलर सर्विसेज, मतलब इन डिपार्टमेंट के अंदर अगर आप इन पोस्ट पे हैं और आपको 3 साल हो गए आपके रेगुलर सर्विसेज में तो आप इसमें एलिजिबल हैं। और साथ में जो बताया गया कि कौन कौन से रेवेन्यू डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट विद इन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, कॉलोनीज डिपार्टमेंट, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग डिपार्टमेंट, इसके साथ अटैच डिपार्टमेंट भी कुछ बताए गए हैं, जैसे डायरेक्टोरेट ऑफ लैंड रिकॉर्ड, पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी, डायरेक्टोरेट ऑफ कच्ची आबादी डेवलप, उसके बाद थल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ऑफिसेज ऑफ ऑल डिविजनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर एंड असिस्टेंट कमिश्नर इन द पंजाब, जो इन डिपार्टमेंट में भी सर्व करने हैं वो भी इस पे एलिजिबल हैं। तो ये है बेटा कौन सी तहसीलदार की 16 स्केल होते हैं, आपको पता है बड़ी ज़बरदस्त जॉब है और रेगुलर जॉब है ये भी। पेपर इसका भी वही 100 नंबर का एमसीक्यू टाइप होगा, 70 नंबर का जनरल पोर्शन होगा, और तकरीबन आपका जो है ना जी 30 नंबर का जो पोर्शन होगा वो रेवेन्यू एक्ट के हवाले से होगा, पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट है, पंजाब टेनेंसी एक्ट है, और लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 है। ठीक हो गया जी, इसमें भी उर्दू का ऐसे भी है, इंग्लिश का ऐसे भी है, 25-25 नंबर का। तो ये बेटा जो है ना जी आपकी एडवर्टाइजमेंट थी। अब कुछ सीटें आई हैं एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में जूनियर क्लर्क की, मैंने आपको कहा था कि इस वक्त जो सबसे आसान काम है, मतलब जॉब लेने का जो सबसे आसान तरीका है वो ये है कि आप टाइपिंग कर लें, 30-40 आपकी स्पीड है अगर टाइपिंग की, थोड़ी सी आप तैयारी कर ले तो क्लर्क की सीटें रोज आती हैं किसी ना किसी डिपार्टमेंट में, आप इजीली जो है ना सीट निकाल सकती हैं। जिनकी टाइपिंग होती है उनसे एग्जाम नहीं पास होता, जिनका एग्जाम पास हो रहा होता है उनसे टाइपिंग नहीं निकल रही होती। तो कंप्यूटर जो है ना जी वक्त की ज़रूरत है, कंप्यूटर के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए, टाइपिंग आपकी होनी चाहिए। इसमें बेटा जो टोटल सीट है एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में 12 है,
और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में 5 ईयर के लिए या चल के परमानेंट हो जाती है खुद ब खुद। उसके बाद इसमें कम से कम आपने FA किया होना चाहिए, सेकेंडरी हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए, इंटरमीडिएट कम से कम FA FSC आपकी होनी चाहिए, साथ में 25 वर्ड्स पर मिनट। स्पीड कितनी चाहिए इसमें? 25 वर्ड्स पर मिनट चाहिए इंग्लिश राइटिंग के हवाले से। उसके बाद प्रोफिशंसी टेस्ट होगा जिसमें आपसे कोई ना कोई काम करवाया जाएगा, MS वर्ल्ड के हवाले से, एक्सेल के हवाले से, आप देखें पावर पॉइंट के हवाले से। इस तरह से बेटा ये सीट है, इसका सिलेबस भी जनरल होगा, कंप्यूटर का पोर्शन थोड़ा सा ज़्यादा होगा। ये देखें इसमें बेटा हमारे पास बेसिक कंप्यूटर है 20 नंबर का बेसिक कंप्यूटर का पोर्शन होगा, 80 नंबर का जो है ना वो GK का पोर्शन होगा जनरल, जो हम आपको पढ़ा रहे होते हैं। ठीक हो गया जी, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकती हैं। अच्छा डोमिसल, अच्छा इसमें डोमिसल भी मेंशन है, इसमें कसूर के डोमिसल के लोग अप्लाई कर सकते हैं, शेखुपुरा के कर सकते हैं और ननकाना साहिब, ये तीन जो डिस्ट्रिक्ट्स के जो डोमिसल के लोग हैं सिर्फ यही अप्लाई कर सकते हैं, बाकी पूरे पंजाब के लोग नहीं अप्लाई कर सकते। इसमें एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट लाहौर रीजन बी के अंदर जो है क्या होगा जी, यहाँ पे इसकी पोस्टिंग होगी। तो ये बेटा आपकी एडवर्टाइजमेंट थी, ज़बरदस्त किस्म की एडवर्टाइजमेंट थी, ज़बरदस्त किस्म की सीट आई है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनके लिए भी, जो एम्प्लॉय नहीं है उनके लिए भी SNGAD की ज़बरदस्त सीट है। आज से ही तैयारी करें, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।